Now I'm shaking, drinking all this coffee. These last few weeks have been exhausting. I'm lost in my imagination. And there's one thing that I need from you. Can you come through? घर आ गया हूँ और शूट भी काफ़ी अच्छा हो गया है, तो मैंने कुछ पिक्चर्स सेलेक्ट कर लिए हैं। तो जो मैं एडिटर यूज़ करता हूँ वो है एडोबी लाइटरूम। ये मैं पहले जो है वो लैपटॉप में ही सीखा है मैंने, लेकिन इसकी मोबाइल एप्लीकेशन भी काफ़ी अच्छी है। तो पिक्चर हम एक ले लेते हैं, ये वाली। तो इसमें पहले जो है मैं बेसिक जो एक्सपोजर सेटिंग होती है मैं पहले वो कर लेता हूँ, उसके बाद कलर करेक्शन की तरफ जाता हूँ। तो क्योंकि ये कैमरे से ली हुई है और काफ़ी ठीक एक्सपोजर है इसका, ना ज़्यादा ब्लीच आउट है ना शेडोज छुप रहे हैं। तो पहले इसका बेसिक हाइलाइट्स है वो मैंने बिल्कुल कम कर दी, क्योंकि जो पीछे जो स्काई था वो ब्लीच आउट हुआ हुआ था, तो उसमें थोड़ा लाइट कम हो गई है। शेडो थोड़ी मैंने बढ़ा दिया क्योंकि इससे थोड़ी लाइट जो है वो चेहरे पर आ गई है, और बाकी सब चीज़ें ठीक है इसमें। मैं टेम्परेचर थोड़ा सा मैं इसको वार्म कर दूंगा, -5 सही है। तो अब इसकी क्योंकि ज़्यादा एक्सपोजर सेटिंग नहीं हुई क्योंकि ये एक्सपोजर इसका बिल्कुल ठीक था, तो अभी मैं इसमें कलर करेक्शन में आया हूँ। इसमें क्या है कि एक एक कलर्स को आप इंडिविजुअली आप इसको सेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो मैं इतना प्रो तो नहीं हूँ, लेकिन जितनी मुझे आती है मैं कोशिश करूँगा आपको बताने की। तो क्योंकि रेड इसमें इसकी शर्ट है, तो रेड को अगर मैं छेड़ूंगा तो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। लाइक देखें, अगर मैं सिर्फ करूँगा तो ये ऑरेंज येलो हो जाएगा, इस तरफ पिंक मजेंडा वगैरह, तो उसको मैं नहीं छेड़ूंगा। ऑरेंज जो है इससे ये हेल्प करता है स्किन टोन सही करने पर, तो इससे इस सेटिंग से ऑरेंज की स्किन टोन बेहतर हो जाती है। तो लाइक ये स्किन टोन बिल्कुल ठीक हो गई है। फिर नेक्स्ट येलो। अभी ये जो फ्लोर है, इस फ्लोर में काफ़ी शेड्स आ रहे हैं, ग्रे पीछे धूप का शेड, तो ये इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा। तो अगर मैं इसकी सैचुरेशन बिल्कुल कम कर दूँ और वो एक को माइनस
तो ये पीछे एक हल्का सा शेड आ गया है ब्राउन का, और जो नीचे जो फ्लोर ग्रे और पीछे जो इसका धूप का शेड था वो बिल्कुल लेवल हो गया है। उसके आगे ग्रीन, अगर मैं ग्रीन को चेंज करता हूँ तो ये जो पीछे आप देख रहे हैं इसके जो एक पेड़ है हल्का सा नज़र आ रहा है, उसका कलर चेंज हो गया है। अगर मैं ब्लू को स्लाइड आउट करूँगा तो इसकी जैकेट का कलर चेंज हो रहा है, तो उसको भी मैं एडजस्ट कर लूँगा। इस तरह से अगर आप इसको आगे पीछे करके देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ चेंज हो रही है। तो जितना आप यूज़ करेंगे उतना आप बेटर एडिट कर पाएंगे। तो अभी कलर करेक्शन हो गई है, तो अभी तक कलर करेक्शन और एक्सपोजर में ये एडिट हुआ है, ये बिफोर एंड आफ्टर। बिल्कुल छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो बहुत अफेक्ट करती है, हमें लग तो रहा होता है कि इतने से बढ़ाने या इतने से कम करने में क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन फ़र्क पड़ता है, ठीक है। क्योंकि ये कैमरे की पिक्चर थी और इसमें इतनी ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी, इस वजह से मैं फ़ोन की एप्लीकेशन ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, क्योंकि 2 मिनट भी नहीं लगते एडिट करने में इसमें, अगर चीज़ टिप करो तो। अभी एक पिक्चर ले लेते हैं हम फ़ोन की, क्योंकि फ़ोन में जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ें सेट करनी पड़ती है, एक्सपोजर और सब चीज़ें। मैं ये एक फ़ोन की पिक्चर ले रहा हूँ, तो ये भी उसी तरह से एडिट होगी, इसमें ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। जितना ज़्यादा आप यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आप बेटर होते रहेंगे, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी हो रही थी इस वजह से मैंने इसे फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। तो जो फाइनल पिक्चर एडिट हुई है वो कुछ इस तरह से हुई है। तो बिल्कुल अगर हम कुछ चीज़ें फिंगर टिप्स पर रखें तो पिक्चर खींचने के बाद उसे एडिट करें तो वो काफ़ी अच्छी हो जाती है, और फिर उसे अपलोड भी कर सकते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चंस हों आपके तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करें। आई होप आपने कुछ सीखा होगा, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।